25 मार्च यानी कि होली के दिन ताजबाग के सामने एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 14 वर्षीय आलिया खान नामक युवती जख्मी हो गई थी। जी हाँ, कल 1 अप्रैल को उसने एक हफ्ते बाद दम तोड़ दिया। मेडिकल अस्पताल में उसने अंतिम सांसें गिनी और आज हम उसके घर में मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिट एंड रन केस का मामला बताया जा रहा है। अब उन्हीं से पूछते हैं कि ये सड़क दुर्घटना हुई कैसे और क्या कार वाले को अभी तक अटक हुई या वो गिरफ्तार हो पाया या नहीं। पुलिस प्रशासन पे कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आए दिन नागपुर शहर में हिट एंड रन का ये दूसरा केस है। 1.5 महीने पहले ही राम झूले पर 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद ये मामला ठंडा कर दिया गया। उसके बाद फिर से एक मामला उजागर हुआ है जो हिट एंड रन केस का साफ साफ नज़र आ रहा है। हम उनके परिवार वालों से ही जानना चाहते कि ये हादसा कैसे और कब हुआ। मृत बच्चे की माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनका दुख ज़रूर समझेंगे, बस जानना चाहते कि ये हादसा कैसे हो गया। इतना बड़ा हादसा है, आज उन्होंने अपनी बच्ची की जान गंवा दी है। क्या पुलिस की कार्रवाई रहेगी, क्या उनकी मांगे हैं, हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, वो कातिलों को सज़ा दिलाओ, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी सी थी, बहुत बहुत तकलीफ में थी। दीदी वो उसकी तकलीफ मुझसे देख ही नहीं जा रही थी। 8 दिन से तो वो तड़प रही थी मेरे सामने, मैं उसको देख देख के मैं तड़प रही थी। मैं सबसे यही कहना चाहती कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, बस इंसाफ दिलाओ, कि कल कोई दूसरी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। एक माँ का दर्द आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि वो उन्होंने अपने बच्ची के साथ जो हादसा हुआ उसकी मांग करते हुए इंसाफ की मांग की है। हम और भी अन्य सदस्यों से चाहेंगे, पूछेंगे कि ये हादसे का जो हादसा जो हुआ वो कितने बजे हुआ, किस तरह हुआ, आगे का जो गाड़ी चालक था वो पीकर था या क्या था। वो 4 बजे तक चार जन थे, वो एक गाड़ी के अंदर, 2 गाड़ी रेसिंग हो रही थी, हमारी बच्ची जा रही थी स्लो, पेड़ लाने के लिए गए थे, वो चारों ने ठोक कर चले गए। उनकी ना पुलिस वालों ने वो नहीं किए, टेस्ट नहीं किए कि उन्होंने दारू पिया, हम बोल बोल के थक गए कि इनका टेस्ट करा, बोले सब करेंगे, कुछ भी नहीं करे। 8 दिन तक के हमको किसी ने आकर जाग कर भी नहीं देखा। जा रहे थे तो पुलिस वाले बोलते कि अभी बच्ची तो जिंदा है ना, अब मर गई। जब गए हम वहाँ पर थाने में, हमारी जान जल रही है। हम मृतक बच्ची के मामा जो है उनसे भी चाहेंगे सीधा साफ कि पुलिस वालों की आगे की क्या कार्रवाई है, उन्होंने क्या कुछ आपको आश्वासन दिया है, क्योंकि अब तक आरोपी जो है, जो कार चालक जो भी थे, वो फरार है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। मैं उनके मामा से ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है। हम अभी सकदरा थाना गए थे कल, तो जब बच्ची की डेथ हुई उसके टाइम हम वहाँ पर सकदरा थाना गए, हमने बोले, अब आपने कहा था ना कि हमने जब आके पूछा कि उसको क्यों रिहा किया गया, तो हमारे को जवाब आया कि ये जो उस पर धाराएँ लगाई गई है, कानूनी धाराएँ, तो कोर्ट के अंदर जिसमें 7 साल से कम की सज़ा रहती है, तो वो कोर्ट से अगर वो एंटीसेप्टिक बेल लेके आए थे, हमको उनको छोड़ना पड़ा। दूसरे ही दिन उन्होंने उनको बेल दे दी। अब बेल दे दी तो हमने बोले क्यों ऐसा किया गया, इतना बड़ा बच्ची के जानलेवा, वो वेंटिलेटर पर थी, वेंटिलेटर पे सांस ले रही थी, उसकी ज़िंदगी मौत के बीच लड़ रही थी, फिर भी उनको छोड़ दिया गया। और जबकि उसमें 2 जन को ही आरोपी बनाया गया, लेकिन वो कार के अंदर 4 आरोपी थे। अब वो हमने वो भी बोला तो बोले नहीं, बोले जो गाड़ी चलाता है सिर्फ उस पर ही वो लगती है करके, लेकिन वो गाड़ी जो थी ना उस दिन तो 2 गाड़ियाँ थी, वो आगे पीछे रेसिंग करते हुए जा रहे थे। बच्ची दोनों सामने वाली बच्ची जो थी गाड़ी चला रही थी वो रोजे से थी, और पीछे वाली बच्ची जो थी वो छोटी थी, वो अपना घर का कुछ काम से वो रोड के उस साइड से आधी हल्के से गाड़ी लेके आ रहे थे, गाड़ी का कुछ घर का सामान लेके आ रहे थे। तो जब वहाँ पर वर्किंग काम चालू है तो वहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि गो स्लो, धीरे चलाइए गाड़ी, तो गाड़ी इतनी स्पीड में रहने के वजह से कि गाड़ी से बच्ची को जब वो ठोका गया कार ने, तो वो उछल के बॉनेट पे गिरी, बॉनेट से कांच में गिरी, और कांच के अंदर जाके वो बाल समेत फंस गई। उसको वहाँ पर जो चश्मदीद गवाह थे वो उन्होंने उसको कांच कैंची से काट के बाल निकाला गया। तो आप ही बता सकते हैं कि कार कितनी स्पीड में थी, और वो सब पी के थे। हमने सकदरा थाने के PI साहब से भी बात की।
पीआई साहब ने हमको विश्वास दिलाया कि हम जो भी होगा उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे कांग्रेस के जो वसीम लाला करके लीडर है उनके साथ गए, उनका बहुत सहयोग रहा हमारा, उन्होंने पूरा मदद की है हमारी ये सब चीज़ों में। तो आठ दिन से हम क्या कहते हैं मेडिकल में ट्रॉमा हॉस्पिटल में वो बच्ची पड़ी रही, उसको कोई देखने भी नहीं आया आरोपियों की तरफ से। और दूसरे ही दिन उनको बेल दे दी गई, एंटीसेप्टिक बेल। जब हमने बोले बेल क्यों दी गई, तो बोले हम उनको जो कोर्ट से रहता है बोले वो ऑर्डर पर हमको बेल देना पड़ा। और बोले हमने जब बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोले तुम्हारी बच्ची अभी जिंदा है ना, बोले अभी मरी तो नहीं, बोले जिंदा है ना, बोले अभी तुम अपनी बच्ची पर ध्यान दो, बोले ऐसा हमारे को वहाँ के सकदरा का जो स्टाफ था उनने हमारे को ऐसा बोला। और फर्स्ट दिन जब हम जिस दिन कार हम वहाँ पर गए थे सकदरा थाने, उस दिन भी हमसे बदसलूकी से व्यवहार किया गया। हमारे को ये बोला गया कि हमारा त्यौहार है होली का, हमारे लोग खाते पीते ही है, तो तुमने अपनी बच्ची को काय को भेजना था, ऐसा हमारे से घरों में रखना था, काय को बच्ची को भेजा गया, ऐसा व्यवहार वहाँ की कांस्टेबल थी, उनका नाम तो नहीं जानते हम चेहरे से पहचानते हो कांस्टेबल को, उनने ऐसा बोला। तो ये ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया गया सकदरा थाने में। लेकिन वहाँ के जो पीआई साहब थे उन्होंने बहुत सहयोग किए, उन्होंने अभी भी हम सकदरा थाने से जाके आए हैं कि हम साहब कैसा क्या, तो उन्होंने हमको बोले हमारे तरफ से जो भी रहेगा हम सबको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, बोले आपके परिवार को। लेकिन अभी तक के जो आरोपी था वो आरोपी अभी भी बेल पे बाहर है। हमारी ये डिमांड है हमारे परिवार की कि जो आरोपी थे जिसमें जिनका दो नाम लिखा गया उसमें भी आरोपियों का नाम नहीं है, सिर्फ जो गाड़ी चालक है गाड़ी का नंबर के गाड़ी चालक और गाड़ी का साथीदार ऐसा एफआईआर में लिखा गया है, उनका नाम तक के मेंशन नहीं है एफआईआर में, और वो अभी बेल पे बाहर है। क्यों ऐसा, जबकि बच्ची की अब तो जान चले गई। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर 304 की कलम लगे और उनकी जो बेल है वो तुरंत में रिजेक्ट किए, उनको अरेस्ट किया जाए, हमारी यही मांग है पूरे परिवार, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस हादसे में मृतक की बहन भी साथ में थी, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, आइए। ये बच्ची उसकी फूफू की मौसी की बेटी है, उसकी बहन है, उस टाइम वो गाड़ी चला रही थी। इस वक्त हमारे साथ मृतक की बहन भी मौजूद है, इस हादसे में वो साथ में थी, बताइए क्या हुआ था। हम गए थे ममदू भाई डेकोरेशन वाले हैं ना, उनके यहाँ गए थे काम से, फिर हमारे अप्पी के यहाँ गए हम अफतारी का सामान लेने। वैसे ही हम बैंक के सामने से रास्ता है ना, वहाँ से स्लो गाड़ी लेके जा रहे थे, वो दो कार थी, वो दोनों कार इतनी स्पीड में आ रही थी कि हम जा रहे थे ना तो उनने इतनी स्पीड में उड़ाया है और बोलते हैं कि वो स्लो गाड़ी चला रहे थे, तो ये कौन सी बात हुई, हम धीरे जा रहे थे और वो स्पीड इतने और हम है ना इतना हॉर्न बजाते हुए जा रहे थे और स्लो गाड़ी थी और था वो दो कार थी, वो दोनों कार बहुत स्पीड में आ रही थी और दोनों रेसिंग लगी थी। जो कार चालक थे वो क्या उम्र के होंगे, फिर भी वो तो हेल्दी थे बट एज नहीं पता कितनी होंगी। बहुत मैं तो अपनी बहन की इसमें लगी थी तो मैंने देखी नहीं थी, सब तरफ से खून निकल रहा था। कि उसमें वो कार के अंदर चार जन थे और चारों जन ड्रिंकिंग करके थे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके थे। लेकिन हम सकदरा थाने में जाके ये भी बोले उनका ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करे, उनका मेडिकल क्यों नहीं कराए, तो वो हमारे को बोला जाता है वहाँ पर कि मेडिकल कराते अगर उसमें अल्कोहल निकलता या उनको ड्रिंकिंग का केस लगाते तो कमज़ोर होता था ड्रिंकिंग का केस कमज़ोर होता है। अपन चाहेंगे कि उन पर जबरदस्ती जानबूझ के मारे ऐसा केस लगाया जाए, ये टामल टोल कर रहे हैं। और जो पीआई साहब है सिर्फ सकदरा थाने का पूरा स्टाफ जो है वो हमारे को सहयोग नहीं कर रहा था, सिर्फ पीआई साहब जो है सकदरा थाने के बस वही सहयोग कर रहे हैं, बाकी सब जो है वो पुलिस वाले वो कोई भी हमारा नहीं। मेडिकल भी आए थे पीआई साहब, सिर्फ पीआई साहब का सहयोग है हमारे सकदरा थाने में, जो पीआई साहब है बस उनका सहयोग, यानी कि उनका व्यवहार हमारे को अच्छा लगा। बाकी सकदरा थाने के पूरे जो लोग थे जितना भी स्टाफ है वो ना बात करने के लिए तैयार था और ना हमारी कुछ सुनने के लिए तैयार था। हम अगर उनसे कुछ सवाल करते तो वो हमको उल्टा जवाब देते, वो मर गई का बच्ची तो अभी ज़िंदा है ना, केस को टाइम लगता है, इतने जल्दी कोई रिजल्ट नहीं आता, हम तुमको बताएंगे, तुम अभी अभी बच्ची पे ध्यान दो, ऐसा यानी कि उल्टी सीधी बातें की गई है वहाँ पर बैठे हुए स्टाफ ने, कि हमको बिल्कुल भी
हम ये उम्मीद ही नहीं रख रहे थे कि सकरा थाने में ऐसा भी व्यवहार किया जाता है। ये नागपुर शहर का दूसरा सड़क हादसा है। पहले सड़क हादसे में जो रामझूला में दो लड़कों की जान गई थी, वो भी ऐसा ही मसला था, ऐसा ही मामला था, जहां दो आरोपी महिला जो है वो नशे में धुत होकर गाड़ी की कार की रेसिंग लगाते हुए उन्होंने सड़क हादसे को अंजाम दिया था। इस हादसे में भी वही हुआ है। होली के दिन 25 तारीख को दो लड़कियाँ अपने घर जा रही थी, उसी वक्त तेज़ रफ्तार से आ रही कार ने उनको ज़ोरदार धड़क मार दी, जिसमें एक बच्ची ने कल अपनी जान गंवा दी है। जी हाँ, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को उसने अपनी जान गंवा दी है। आज हम उसी सिलसिले में उसके परिजनों से मुलाकात करने यहाँ पहुँचे थे और हमने उनकी मांगें भी सुनी। उनकी मांग ये है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए और उनके बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पहले हादसे में भी आरोपियों को दूसरे दिन बेल मिल गई थी और इस हादसे में भी आरोपियों को दूसरे दिन ही बेल मिल गई है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अमृता खापाडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार।